टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए हरभजन सिंह ने चुनी अपनी प्लेइंग 11। 3 स्टार खिलाड़ियों को किया बाहर। भारत के पूर्व स्पिनर और 2007 में चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया के हिस्सा रह चुके हरभजन सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी टीम में 5 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज को रखा है। हरभजन ने एक स्पोर्ट्स चैनल से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सीधा सपाट निर्णय होगा। मुझे लगता है रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल का खेलना तय है। यजुवेंद्र चहल भी खेलते दिखेंगे। वहीं तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। हरभजन सिंह ने प्लेइंग 11 में 3 स्टार खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया है। उनमें दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन, बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज हर्षल पटेल भी शामिल हैं। हर्षल पटेल पिछले एक साल से लगातार टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को भी बाहर बैठाया गया है। हरभजन ने कहा, यह मेरी पसंद है, हर्षल को मौका नहीं मिल सकता है। मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा और अश्विन को पहले कुछ मैचों में मौका नहीं मिलेगा। मैंने जिन खिलाड़ियों को चुना है शुरुआती कुछ मैचों में वही प्लेइंग 11 में हिस्सा दिखाई देंगे। भारत के पूर्व स्पिनर ने सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की प्रशंसा की। उन्होंने टीम में चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह ली और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में सिर्फ 1 ओवर में 3 विकेट लेकर सनसनीखेज वापसी की थी। भज्जी ने कहा, शमी का फिट होना भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। वह जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उनका अनुभव बड़े मंच पर काफ़ी मायने रखता है। बुमराह के न होने से शमी का रोल और भी बड़ा हो जाता है। हमें उम्मीद है कि वह उन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। दोस्तों, आपने हरभजन सिंह की प्लेइंग 11 तो देख ही ली। अब आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स जगत को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।